हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। आज हम करने वाले हैं एक नया क्रियाकलाप जो कि लिया गया आपकी पुस्तक रिमझिम कक्षा 4 एनसीईआरटी के पाठ दान का हिसाब से। तो इस क्रियाकलाप के तक पहुंचने के लिए आपको खोलनी है अपनी पुस्तक और निकालनी है पृष्ठ संख्या 61। जी हाँ, पूर्व और पूर्व। पूर्वी सीमा के लोग भूखे प्यासे मरने लगे थे। अब यहाँ पे बोला गया है कि पूर्व शब्द के दो अर्थ हैं, एक दिशा और एक है पहले। जैसे कि हम यहाँ देख सकते हैं पूर्वी सीमा, तो यह एक दिशा को बता रहा है कि कौन सी सीमा, पूर्वी सीमा। उत्तरी सीमा नहीं, पश्चिमी सीमा नहीं, दक्षिणी सीमा नहीं, पूर्वी सीमा। तो पूर्वी सीमा के लोग भूखे प्यासे मरने लगे थे, तो एक दिशा का नाम है पूर्व, पूर्वी या पूरब। और दूसरे पूर्व का नाम है, एक पूर्व हो गया हमारा दिशा और दूसरा पूर्व क्या है, पहले। क्या है, पहले। मैं सुबह खाना खाने से पहले, यानी कि मैं सुबह खाना खाने से पूर्व सूरज को जल जरूर चढ़ाती हूँ। तो इस वाक्य में पूर्व का मतलब है पहले। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि शब्द तो एक ही है लेकिन अर्थ अलग अलग हैं। तो ऐसे शब्द को क्या कहते हैं, अनेकार्थी शब्द। ऐसे शब्द जिन जो होते तो एक ही हैं लेकिन उनके अर्थ अलग अलग होते हैं। अब नीचे ऐसे ही कुछ शब्द दिए गए हैं जिनके दो दो अर्थ हैं, जैसे कि जल, मन और मगर। अब हमें इनका प्रयोग करते हुए दो दो वाक्य बनाने हैं और उन दोनों वाक्य में अलग अलग तरीके से हमें शब्द के अर्थ दिखने चाहिए। जैसे कि पहला है जल, दूसरा है मन और तीसरा है मगर। तो सबसे पहले जल से शुरू करते हैं। तो जल शब्द का पहला अर्थ होता है यह, और ये क्या है, पीने वाला जल। तो इसका चलिए बनाते हैं वाक्य, पीने के लिए स्वच्छ जल चाहिए। तो यहाँ पे जो शब्द जल का प्रयोग किया गया है उसका मतलब है पीने वाला जल। अब दूसरा अर्थ क्या होता है जल का, हाथ जल जाना या शरीर का कोई अंग जल जाना गर्म चीज की वजह से। जैसे कि हम यहाँ देख सकते हैं बच्चे के हाथ में गर्म पानी गिर गया और उसका हाथ जल गया। जी हाँ, तो यहाँ पे जल का अर्थ है किसी भी गर्म वस्तु से हमारा अंग या कोई भी चीज और ज्यादा गर्म होने से जल जाना। तो इसका वाक्य बनाते हैं, कुणाल का हाथ गर्म पानी से जल गया। देखिए शब्द तो दोनों ही एक है जल, पर वाक्य में आते ही अर्थ अलग अलग हो गए। ठीक है, अब आते हैं मन। मन, मन का पहला अर्थ होता है दिल या जी। हमारा जी क्या कर रहा है, हमारा दिल कैसा है, तो वह होता है मन। तो आज मेरा मन आज समोसे खाने का कर रहा है। तो क्या जी कर रहा है आज मेरा, मेरा मन आज क्या कर रहा है, समोसे खाने का मन कर रहा है। दूसरा अर्थ मन का होता है मापन की इकाई। किसी वस्तु को मापने के लिए, किसी वस्तु का वजन मापने के लिए हम मन का प्रयोग करते हैं। तो मुझे 3 मन चावल चाहिए। कितने मन चाहिए, 3 मन। जैसे किलो होता है, ग्राम होता है, वैसे ही मन भी होता है। तो मुझे 3 मन चावल चाहिए। अब आखिर में है मगर। मगर के भी दो अर्थ होते हैं। पहला अर्थ होता है लेकिन। चलिए वाक्य बनाते हैं और इस लेकिन अर्थ को समझते हैं। वह आया मगर तुरंत चला गया। तो देखिए यह अर्थ है मगर का, वह आया मगर तुरंत चला गया। इस वाक्य में हमें पता चल रहा है कि मगर का अर्थ क्या होता है, लेकिन। क्या होता है, लेकिन। अब दूसरा क्या अर्थ होता है मगर का, मगरमच्छ। जी हाँ, मगरमच्छ को मगर भी कहते हैं। ये रहा मगरमच्छ, जिसे हम मगर भी कहते हैं। तो चलिए बनाते हैं इस पर वाक्य, गांव के तालाब में 2 मगर रहते हैं। जी हाँ, यहाँ पे मगर का मतलब लेकिन नहीं है, क्या है मतलब, मगरमच्छ है। तो हमें वाक्य से पता चलता है कि हम कौन सा अर्थ, हमें कौन सा अर्थ समझना है। तो यह थे 3 वह शब्द, जल, मन और मगर,
चौकी थे अनेक अर्थी और हमने उनके अनेक अर्थों को अच्छे से समझा। अब आपको भी इन तीनों शब्दों पर वाक्य बनाने हैं जिससे इनके अलग अलग अर्थ स्पष्ट हो पाए। तो आप ये काम कीजिए और मुझे बताइए कि आपने क्या क्या वाक्य बनाए हैं। हम मिलते हैं अगली बार।